बैठा हुआ है, भगवान रक्षा करे, रक्षा करे इसकी। ओ ये देखो, ये देखो बाइक गिर गई। ओहो बेचारों गिर गए रिमोट से। ओहो ये सबसे डिफरेंट है, और ये जो ऊपर डाला हुआ है ना इन्होंने नॉर्मली कर देना तीनों में तो मैं भाटी थोड़ा सा लोग गलत समझेंगे हमारे बारे में। हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब फिट एंड फाइन हो गए। क्या क्या मैं भी अशके हूँ, मैं भी अशके, और आप भी उम्मीद करता हूँ क्या अशके। सो गाइस बाहर का मौसम बहुत अशके हो चुका है, आप देख ही रहे हो इधर, और वहां से हम आ गए हैं। ये हमारा नेक्स्ट व्लॉग है, इससे पहले वाला जो व्लॉग था वो था भाटी जी का तोता उड़ गया, ठीक है। और भी कोई टाइटल दे सकते हैं, मतलब इससे पहले वाला जो व्लॉग है ना वो भाटी जी ने तोते को उड़ाया है वो वाला था। अब हम आगे जा रहे हैं, बारिश आ चुकी है, तो घर तक जाते जाते जो सिचुएशंस होगी, जो हमारे साथ घटना घटित होगी, मतलब घटना हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं भी कोई ना ही हो, मतलब इन द सेंस हम ये कहना चाहते हैं रास्ते में हमें पानी मिल सकता है, क्योंकि बारिश होते हुए कम से कम आधा घंटा हो चुका है। बारिश भी आ गई है, अब तोते के बाद में यहाँ आ गई है बारिश। तो अब हम आए हैं इधर मामा टी स्टॉल के आसपास, चाय और ब्रेड पकौड़े खाने, है ना भाटी जी। भाई ये सबसे मस्त जगह है हमारे एरिए की। तो भाई जी ये देखो इस तरीके के ब्रेड पकौड़े होते हैं इनके, और ये चाय। यहाँ मैंने ना यहाँ खाया हुआ है मेरे ख्याल 10 रुपए का। चाय जब 10 रुपए की हुई ना पहली बार, तो नहीं हुई, 10 की हुई। यहाँ बता दूं लोकेशन, वैसे तो गंगानगर वालों को पता है अपना ब्लॉग, कोई और भी देख सकता है जो गंगानगर में आया हो, मान लो कोई जॉब करने भी आ सकता है। ये जगह है तीन पुली के ऊपर, मामा टी स्टॉल और दूसरी शाम टी स्टॉल दोनों हैं। तो पीछे वाले जो पहला ब्लॉग था हमारा भाटी जी का तोता, उसमें शाम टी स्टॉल पर हमने चाय पी थी। अब थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हम मामा टी स्टॉल पर जो है पी रहे हैं। यहाँ पर इनका ब्रेड पकौड़ा और चाय सबसे बेस्ट है। भाटी जी ने 2 रुपए में चाय और ब्रेड पकौड़ा खाया हुआ है, मैंने 10 रुपए में खाया हुआ है। अब रेट क्या चल रहा है? 30 रुपए। अब 30 रुपए चल रहा है, और चाय का रेट? 10 रुपए। चाय का रेट 10 रुपए चल रहा है। जो आज का कैफे है वो यही होता था जमाने में, ये बात होगी 1990s 1980s की। तब भी आते थे, हाँ। तब तो छोटे थे हम, और मैं जब यहाँ था खालसा कॉलेज में 2003 2003 में, 2003 तक ये मतलब ये यहाँ का सिस्टम था। और ये दिख रही है ना आपको, ये जो पट्टी सी है ये नहर है, बिल्कुल कवर की हुई है। पहले ये भी बहुत खुली थी, पहले खुली थी और वो इतना मस्त माहौल था ना इस एरिए का। इसको कवर होने से इसकी ब्यूटी थोड़ी कम हुई है, नहीं तो बहुत ही बड़ी ब्यूटी थी। और ये पेड़ दिख रहे हैं आपको, सभी जगह लगाए हुए हैं ये देखो। हाँ, तीन ब्रेड पकौड़े, तीन ब्रेड और तीन चाय। मीठा दो में ज्यादा रखना, एक में कम रखना, तीनों में? हाँ नॉर्मली कर देना तीनों में तो मैं भाटी थोड़ा सा लोग गलत समझेंगे हमारे बारे में, मीठे वाले कौन है तो। नहीं नहीं धर्म नहीं है ये, अक्कू कैसे होता है ये, पैरों में भी है देख, मेरे पैरों में भी कर रखा है मेरे तो। ये मतलब मैंने क्या वो थोड़ा वेट उठा लिया था तो उस कारण दिक्कत आ गई। भाई बारिश आ गई, बारिश जबरदस्त बारिश है, क्या दिक्कत है यार, इतनी भी नहीं है बारिश है। ये देखो दिख रही है बारिश, ये देखो आप भाटी जी इधर इधर से देखो, ये इधर इधर आओ, ये कवर हो रहा है देखो, दिख रही है बा, जल्दी से मोबाइल में ये चीज कैप्चर नहीं होती। हाँ ये बूंदे नहीं आती इसमें, इसमें इसमें ये सबसे बड़ी जो खासियत है ये जो बूंदे है ना बारिश की, ये कैप्चर्ड हो जाती है। हाँ देखो आप, अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो बारिश बहुत ज्यादा तेज है, दिख रही है ना। ब्रेड पकौड़े तो तैयार कर दो, दिख रही है बहुत मोटी मोटी बूंदे गिर रही हैं, अगर एक घंटा बारिश पड़गी ना तो हमारे भी सड़कों में पानी पानी आ जाएगा। तो अभी अभी मुझे मिले हमारे चाचा जी, सारे पकौड़े ही खाने आ
होगा इतना तो 50 साल पुराना होगा ये। आप नहाए हो यहाँ नहर में? भाई मैं भी बहुत नहाया हूँ, ये जो नहर कवर हुई है ना, मैं यहाँ बहुत नहाया हुआ। बाटी जी कह रहे हैं मुझे तोते की चिंता हो रही है। हाँ तो बारिश बहुत तेज हो गई, तोता भी सोच रहा होगा कि मेरे को आज ये काला भी छोड़ दिया। मतलब ऐसी बारिश तोते ने पहले कभी नहीं देखी। तोते के लिए तो परले आ गई है। तोते के लिए तो परले आ गई आज। लो जी हमारे ब्रेड पकौड़े और ये आ चुके हैं। सबसे यूनिक इनकी ये जो चटनी का जो तरीका है ना, ये सबसे डिफरेंट है। और ये जो ऊपर डाला हुआ है ना इन्होंने नमक, ये और भी इसको यूनिक टेस्ट प्रोवाइड करता है। ये यहाँ का ब्रेड पकौड़ा है, ये देखो आपको मैं फिलिंग देखो कितनी घंट है। भाटी जी आज मौसम भी पकौड़े वाला हो गया आज मौसम भी। इसको कैसे हम, भाटी जी आप ही कर दो, मेरा गला खराब है, मैं जो है इसको चटनी को टेस्ट नहीं करूँगा। भाटी जी आप पहले इस कैमरे में दिखाओ पास में करके, और आगे कर लो, आगे कर लो। ये देखो इस तरीके का टेक्चर हो जाता है इसका, ये देखो। और इसको फिर ऐसे खाते हैं। चाय नहीं आई अपनी है ना, ब्लॉग को शेयर कर देना यार, और कमेंट भी कर देना, और सब्सक्राइब जरूर जरूर करना। जल्दी निकले, देख हालात, देख हालात, हालात खराब हो रहे हैं, जल्दी निकलो जल्दी। नहीं हो गया इधर से, अब जाएंगे कैसे? हमारी गाड़ी खड़ी है, ये दिख रही है इधर खड़ी है हमारी गाड़ी, इधर से चले यार। इधर बाहर तो बहुत बारिश है, ध्यान से गिर मत जाना से। भाटी जी के पीछे पीछे चल यार, ये तो गिरने वाला प्रोग्राम हो गया भाई। ब्लॉग का एंड तो कर दिया था, बट ये जो अभी एकदम से ये वाला सिस्टम हुआ है ना, ये वाला, इसको कैप्चर करना बहुत जरूरी था। ओह चलो भाटी जी थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी, गेट खोल दिए मैंने, पहले ही खोल दिए थे रिमोट से। ओहो चलो चलो चलो, ओहो एक मिनट अब मैंने वहां से खोल दिया था, इसने पकड़ा ही नहीं। ओहो सारे भीग गए यार। ओ भाई ये देखो, देखो आप ये इधर का मंजर है भाई। खतरनाक बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है, जाम लग गया आगे। ये देखो भाई आपको दूर से दिखाता हूँ मैं भाई, हनुमानगढ़ में भी बाढ़ के हालात, और हनुमानगढ़ में भी बाढ़ के हालात हो चुके हैं। खतरनाक बारिश है, खतरनाक बारिश। मैं इधर से शीशा खोल के आपको दिखाता हूँ। एक तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ ना साथ साथ, पीछे से बस और आ गई है। ये देखो पूरी की पूरी गाड़ी अंदर भीग चुकी है। ये देखो ये हालात है आज के, देखो अंदर यार बंद ही कर दूँ, पानी आ गया सारा। ये बारिश के कारण जाम लग चुका है, इस साइड में एग्जाम भी है आज। मैं वाइपर बंद करता हूँ, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा बारिश कितनी है। ये जाम लगा इस इनके कारण, ये देखो बाटी जी बेल्ट नहीं लगी हुई, आप बेल्ट लगाओ जल्दी। ये देखो ये देखो ये देखो बारिश दिख रही है, ये देखो आराम से पानी, आराम से ये देखो पानी, देखो पानी कुल्फी। ये बहुत इंद्रजीत कुल्फी वाला बहुत पुराना है, इंद्रजीत की मेहरबानी भी है। नहीं इसको मैं साइड में लेके चलूंगा भट्टी जी, भाई पैस सीवरेज वाली। हाँ कहीं ये बैठ जाए, और इतनी बारिश में मदद कई जगह खोखली है, इसको इधर दबा लो गाड़ी, इधर इस वाली साइड में रखो, इधर इधर रखो। चलो फिर से वही आ गए जहाँ तोते को हमने छोड़ा था। ये हम आ चुके हैं बिल्कुल तोते के पास में, जहाँ हमने तोते को छोड़ा था। यही पेड़ था, यही पेड़ था क्या? नहीं इसके यहाँ से था भट्टी जी, ये वाली जगह ना ये, ये देखो तोता बैठा है क्या? वो पेड़ था वो वाला आगे वाला था, तोता बैठा है क्या? तोता थोड़ा सा आगे लो, आगे लेता हूँ मैं एक मिनट। वो बैठा वो मुझे क्यों नहीं दिख रहा, बैठा हुआ है, भगवान रक्षा करे, रक्षा करे इसकी। भाई बाहर बारिश कितनी आ रही है, ये आप मेरे पीछे से देख सकते हो, कपड़े भीग गए हैं, और ये ऊपर से अपने ऐसे ले लेते हैं। ये देखो कैमरे को साफ कर दें, तब चलते हैं अपने घर पर। फुल बारिश है पूरी जोर से, और सामने बैठा हुआ था तोता। ये देखो बच्चे नहा रहे हैं,
बाटी जी और अंकुर को उतार के बड़ी मुश्किल से घर पर पहुंचा हूँ, और डिग्गी में पिंजरा था उसको उतारने के चक्कर में फिर एक बार भीग गया। और ये देखो अब बारिश का ये आलम है, ये मेरा पौंड है ना, ये भी अब फुल होने वाला है पानी से। ये अपनी आज की डाइट, और ये सारे पैसे मेरे भीग चुके हैं, और ये आईफोन का कवर निकाला है मैंने, सारा मेरे आईफोन में भी पानी चले गया था। अभी मैंने वाटर वो जो निकालने वाला सॉफ्टवेयर होता है उसको डाउनलोड करके अभी पानी निकाला है इसमें से, और ये भाई वस्त्र सारे भीग चुके हैं जो वॉशिंग मशीन में डालूंगा। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यार, ये देखो ये ना वो पिंजरे से सारा कुछ गिर गया, अब इसको साफ़ करूँगा मैं। ये देखो कीड़ियाँ आ गई, अभी करना पड़ेगा मुझे साफ़। ये देखो कीड़ियाँ आ गई, मैंने क्या है एक डेढ़ घंटा संभाला नहीं इसको। ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो कीड़ियाँ आ गई, इसको मुझे सारे को बाहर निकाल के अब साफ़ करना पड़ेगा। ये जो कीड़ियाँ ना जिस दिन हम कैंपिंग के लिए गए थे उस दिन आई थी ये सारी, और अभी क्या अच्छा हुआ इसके कारण हमें पता लग गया। ये देखो सारे ही मतलब बुरा हाल, अब इसकी ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा मुझे। ये यार ये तो काम खराब हो गया। तोता छोड़ने गए थे, एक बात अच्छी होगी मुझे ये पता लग गया मेरी गाड़ी में काफ़ी कीड़ियाँ आ चुकी हैं। जिस दिन कैंपिंग के लिए गए थे ना उस दिन ये कुछ रह गया अंदर, जिसके कारण ये सारी गाड़ी में कीड़ियाँ कीड़ियाँ आ चुकी हैं यार, थोड़ा वरी है मेरे लिए ये चीज़। इसमें सारे में भी जो है ना कीड़ियाँ नीचे के नीचे निकल जाए।